चुनाव आयोग ऐसा बन गया था कि विपक्षी लोगों को उसकी उसके ऊपर टीका करना, उसकी आलोचना करना, वो उनका धर्म बन गया था। लेकिन इतने बड़े देश में इतना अच्छे से पूरा लोकसभा का चुनाव का संचालन करना, और चुनाव का संचालन करने के बाद में कहीं पे भी बड़ी हिंसा न होते हुए भी जम्मू काश्मीर जैसे इलाके में 370 कलम निकालने के बाद में सबसे ज़्यादा वोट का परसेंटेज पाने का यशस्वी आयोजन चुनाव आयोग के बाद चुनाव आयोग के द्वारा किया गया। रिजल्ट भी ऐसे आए कि जो वो तो ईवीएम बेचारी बच गई, यानी ईवीएम की ज़्यादा से ज़्यादा आलोचना होती थी, वो ईवीएम रोने लगती थी कि मैं ईमानदार हूँ, मैं प्रामाणिक हूँ, जितने वोट यहाँ इसके बटन दबाए जाते हैं उतना ही मैं दिखाती हूँ। लेकिन जीत गए तो लोकशाही की जीत, हार गए तो ईवीएम के सर पे ठिकरा फोड़ा जाता था। लेकिन इस वक्त ईवीएम रहे, चुनाव आयोग रहे, चुनाव कंडक्ट करने वाले कर्मचारी रहे, सभी लोगों के धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी ने दिए हैं, मैं सच में उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं विरोधी लोगों से यह बोलना चाहता हूँ कि जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी आलोचना करते हुए यह सोचे कि अब हमारे देश को चलाने वाले ये स्तंभ है, क्योंकि ये जन्म भर भ्रष्टाचार करेंगे और पकड़े गए तो ईडी को गाली देंगे, जन्म भर गलत काम करेंगे, उनका इन्वेस्टिगेशन हो गया तो सीबीआई को गाली देंगे। उतना ही इतना इनका तो स्वभाव ऐसा बना हुआ है कि न्यायिक व्यवस्था के ऊपर भी, न्यायिक व्यवस्था के ऊपर भी उसकी आलोचना करने के लिए वो कहीं पीछे नहीं हटते। माननीय उपसभापति महोदय, इस चुनाव में अभी सभापति जी ने बड़ा दुख जताया और सच में वो दुख था कि लीडर ऑफ अपोजिशन वेल में आए, सभी लोगों ने देखा, यह पहली बार देखा कि लीडर ऑफ अपोजिशन वेल में आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो दुख प्रकट किया, वो दुख प्रकट किया कि बाहर जाने के बाद में जब वो मीडिया के सामने बोलते हैं तो उनके मुंह से, सभापति जी के मुंह से वह शब्द भी नहीं निकल रहे थे कि दैट वॉज द अनट्रूथ, झूठा बोल रहे थे। तो ये झूठ बोलने की आदत कांग्रेस को तो इतनी लग गई है, इतनी कांग्रेस को झूठ बोलने की आदत लग गई कि हमारे बहनों से इतना झूठ बोला गया, इतना झूठ बोला गया कि उन्होंने बताया, उन्होंने बार बार बताया, मैं आपको बताता हूँ, झूठे प्रलोभन देने की आदत इतनी लग गई कि सभी जगह पे जहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े थे वहाँ बहनों के पास जाके, हमारे सिस्टर लोगों के पास जाके वो बोलते थे कि एक फॉर्म भरो, हमने फॉर्म छपवाए हैं, आप ये फॉर्म भरेंगे, 4 तारीख को रिजल्ट लगेगा और 5 तारीख को आपके खाते में आएंगे 8,500 रुपये, खटाखट रुपए आएंगे। अब ऐसी बात हो गई कि बहुत 100 जगह पे कांग्रेस के उम्मीदवार चुन के आ गए, अब महिलाएं जा रही कांग्रेस के ऑफिस में, अब महिलाएं जा रही सांसद के ऑफिस में, उनको बोल रही आपको तो चुन के दिया, 5 तारीख भी आ गई, अब हमारे पैसे निकालो फटाफट फटाफट फटाफट, पूछ रहे कि अब हमारे पैसे निकालो फटाफट फटाफट। लेकिन वहां से कांग्रेस वाले भाग रहे। सभापति जी, वो महिलाओं का दुख बहुत बड़ा है, क्योंकि प्रलोभन दिया गया कि 8,500 रुपये उनके खाते में डाले जाएंगे, हमारा सांसद चुन के दो, उन्होंने चुन के दिया। मैं आपसे अपील करता हूं, क्योंकि कांग्रेस वाले तो ऑफिस से भाग रहे सटासट सटासट सटासट, लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि इनका इलेक्शन कैंसिल करो फटाफट फटाफट फटाफट। सच में
क्योंकि जो प्रलोभन देने के बाद में वोट लेता है तो ये चुनाव का आचार संहिता का भंग है। अब ये आचार संहिता का भंग है तो इसके ऊपर एक्शन होनी ही चाहिए। और मैं देश के सर्वोच्च सभागृह में मैं यह मांग कर रहा हूं कि जहां जहां प्रलोभन दिया है, अच्छा गरीब महिलाएं हैं, विशेषता उसमें मुस्लिम महिलाएं ज्यादा हैं और 87% वोटिंग मुस्लिम महिलाओं का हुआ है। पूरे ताकत से लाइन में लगी थी, उनको मालूम था कि कांग्रेस का बंदा हम चुन के देंगे तो 8,500 रुपए आएंगे हमारे खाते में खटाखट खटाखट खटाखट, क्योंकि वो उनका वो नेता ही बोल रहा था हर सभा में। हमारे यहां भी अमरावती में आया था तो वहां से ही शुरुआत की कि तुम्हारे खाते में पैसे डालेंगे 8,500 रुपए खटाखट खटाखट खटाखट। अब मेरा यही कहना है कि आपके माध्यम से मैं चुनाव आयोग की तरफ भी अपील करता हूं कि यह जो प्रलोभन दिया गया है, इस प्रलोभन के ऊपर क्या क्या उपाय योजना की जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, एक सबसे महत्वपूर्ण बात 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में हुई, वो रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने, क्योंकि मैं ग्रामीण इलाकों से आता हूं, मैं किसान का लड़का हूं और ग्रामीण इलाकों में रहता हूं। मुझे याद है कि जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी तब इंदिरा आवास योजना दी गई थी, वो इंदिरा आवास योजना कुछ अनुसूचित जाति अनुसूचित जमाति के लोगों को दी जाती थी, लेकिन ग्रामीण इलाकों का किसान